अब यहाँ से स्टार्ट हो गया भगवान जी का दर्शन। हम लोगों ने सबसे पहले गणेश जी को पूजा कर लिया, अब शुरू होता है भगवान का घर जाने का दर्शन, भोले बाबा का धाम पहुँचने के लिए। जगह जगह में अरे डंडा पड़ देना ही ना। ओम नमः शिवाय। भाई ले हुए लिया ब्लूटूथ। ओम नमः शिवाय। ब्लूटूथ लिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम भोले। बम बम भोले। हर हर महादेव। हर महादेव। बम बम भोले। बम बम भोले। बोल बम। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा बेटा सबसे पहले है वो, देखिए दर्शन करके भी आ रहे हैं लोग। हर हर महादेव। धीरे से धीरे से धीरे। क्या आंटी धीरे धीरे ऊपर छैन नि हुन्छ। हैप्पी शिवरात्रि। हर छोरी माग्दैछ लु। बम बम बोले। हामीलाई पनि एउटा छोरी दिइहाल्नु। मनोकामना पूरा गर्नुहोस् भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। 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 ये रास्ता देखिए इतना डिफ़िकल्ट है कि ये, और अभी तो बनाया हुआ है ये रास्ता, पहले तो और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तब भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं। पहले तो दूसरा जगह से आने को मिलता था, अभी तो भूटान घुस के आना पड़ता है, भूटान में एंट्री लेना ही पड़ता है। अभी तो ये रास्ता सब बना दिया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो पूरा कच्चा रास्ता था यहाँ पे। अभी ये दो डॉगी भी आ गए ऊपर से, ये लोग भी दर्शन करके आए हैं। यहाँ से नीचे का सीन देखिए क्या मस्त व्यू है। वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, वहाँ पे नहा के फिर यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। ऊपर जा रहे हैं श्रद्धालु महादेव का दर्शन करने के लिए। रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है अभी भी। अभी यहाँ पे रास्ता में फिर से नदी मिल गया है। ओ श्रद्धालु सब देखिए वहाँ पे भी है। वाले हैं यहाँ से, हमारा चढ़ाई स्टार्ट, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है। ये अभी बहुत ज़्यादा कच्चा रास्ता है, बहुत स्लिपरी है, तो ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे ब्लॉगिंग करे कि चढ़े ऊपर। ओम नमः शिवाय। 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 आराम से पूजा करने के लिए मिलेगा। शिवरात्रि को दिन मा। ओम नमः शिवाय। किस्मत वाले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेन मंदिर पहुंच गए हैं।
ये नेचुरल वाटर खुद ब खुद वहाँ से निकल रहा है। दर्शन हो गए, हम लोग जा रहे हैं रिटर्न, तो हम लोग चमचे बुटाना है। चलो बम बम बोले, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, बम बम बोले, बोले, बम बम बोले। अंदर आपको पूरा पानी है, प्रकृति भगवान जी का एक देन होता है। यहाँ पर जो पानी गिरता है वो एक पवित्र गंगा जल है, तो ये पानी को लेके आप किसी में भी स्टोर करके रखते हो या लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ये पानी बहुत मायने रखता है। जैसे अभी हम लोग गुफा के अंदर घुसे तो गुफा के अंदर सांप, चमगादड़, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आपको कुछ भी ये नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगा और कुछ नहीं होता। इतने अच्छे हैं क्योंकि भगवान जी का साथ होता है और वहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा पूजा करने का मौका मिला, दर्शन मिले, बम बोले, और हम लोग बहुत खुश है। हम तो अंदर आपको दिखा नहीं सकते हैं, अलाउ नहीं है, इसलिए आपको ये सब बातें बता रही हूँ। आप देख सकते हो उसे भीड़ चल रही है और देखिए जैसे मेरा बॉडी, हम सभी भीगे हुए हैं गंगा जल से, बारिश से, बट आफ्टर 5 मिनट गंगा जल, हाँ वही तो बोले बाबा के पानी से, ये आफ्टर आपका 5 मिनट के बाद में एक चमत्कार की तरह फुल बॉडी आपका ड्राई हो जाएगा। मतलब ये एक तरह का चमत्कार है, नहीं तो नॉर्मली हम पानी से भीगते हैं तो सुखना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, पर ये नेचुरली हम लोग सूख जाते हैं। ये चमत्कार है, ये माता गंगा आरती जी शहर महादेव कम बोली शिवरात्रि की अच्छा की शुभकामना है, सब सभी का मनोकामना पूरा हो जाए। ऐसे रास्ते आ रहे हैं हम लोग सभी। हम लोग का दर्शन बहुत अच्छा हुआ, हम लोग जा रहे हैं अभी, वे हम लोग भूटान बाजार घूमेंगे। यहाँ का व्यू, मैं 7 साल पहले आई थी इस मंदिर में, शिव मंदिर में भूटान के। अभी मैं फिर जबकि हम लोग मार्केट के लिए आए थे, पर हम लोग गाड़ी वाला ने हम लोग को मंदिर में ड्रॉप कर दिया। भूटान गेट तक जाना पड़ता है चेक पोस्ट में, फिर इसके बाद में फिर इंडिया। देन देखिए दो चीज़ें हैं जो भी यहाँ पर टूरिस्ट लोग आएंगे, ये दो तीन बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो यहाँ पर जो लोकल गाड़ी है, सपोज़ मानो मैं भूटान बाज़ार में आई, यहाँ से मुझे चेक पोस्ट तक जाने के लिए चाहे आप कोई भी गाड़ी, पैसेंजर 3 हो 4 हो, एक गाड़ी में 100 रुपीज़ करके लेते हैं, ठीक है। उसमें आपका पैसेंजर 2 हो या 3 हो या 4 हो, लास्ट लिमिटेड 4 तक है, आपका 100 रुपीज़ पड़ेगा भाड़ा भूटान बाज़ार से आपका चेक पोस्ट तक। उसी तरह से जैसे हम लोग माकालधाम गए थे, माकालधाम है ना, वहाँ पर गए थे बुकेधाम, तो वहाँ का भी सिस्टम सेम ऐसा ही था। चार लोग थे, एक पीपल का ले रहा था 150, सिर्फ ड्रॉप का, अगेन पिकअप का 150, तो एक का पड़ रहा था 300, ओके। ये सब चीज़ों को मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोग जो भी आएंगे तो ये चीज़ आप लोगों को भी याद होना चाहिए।
और ये भी बोल रहे थे इन लोग कि वेटिंग का आपका एक घंटा का 100 रुपीज करके बोल रहे थे, जो कि हम लोग ने बिल्कुल माना नहीं, क्योंकि हम लोग से ये बात नहीं हुआ था तो हम लोग ने बिल्कुल भी माना नहीं। ये कोई ऐसा नहीं, हम लोग भगवान के दर्शन में गए, ऑब्वियसली हमको कितना भी घंटा लग सकता है, पर बोलते हैं ना देख के, मतलब किसी टूरिस्ट को देखो तो कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता है, जो रियल है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा वेटिंग का पैसा आप कभी भी ये मत करना। हाँ, आपका जो बुकिंग है वो आप पैसा दे सकते हो, ठीक है। आज जब भूटान आप इंडिया से जब चेक पोस्ट पे आते हो तो आपको आधार कार्ड, मोस्टली आधार कार्ड चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी एक छोटा बच्चा का भी, बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए बच्चा का आपको चाहिए। वहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, स्पेशली आधार कार्ड चाहिए होता है, वो कॉपी आपका ओरिजिनल वो चेक पोस्ट पे रख देते हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ से इन हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, तो ये हम लोग को फिर सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दे देगा हमारे हाथ में। ओके गाइस, अब हम चलते हैं घर की ओर। ओ नानी दबाने को, ये है भूटान चेक पोस्ट, इंडिया और भूटान का गेट है ये, जो कि हम लोग अभी आउट हो रहे हैं। सुबह के हम लोग इन हो गए थे 8 बजे। ये यहाँ से हम लोग आउट हुए, अब हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया। हम लोग भूटान से निकल के अब हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया। आई लव इंडिया। ओके गाइस, हम लोग अभी पहुँचे हैं घर, और आज मैंने लगा है फास्टिंग, तो शुरू हो गया ना, क्या समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार पानी चढ़ाना होता है, धाम में जाके हमने पानी चढ़ाया है। रात के 12 बजे एक बार पानी चढ़ाएंगे, फिर सुबह एक बार पानी चढ़ाएंगे, तो फिर अब रात के 12 बजे मिलते हैं। बोला जाता है नदी के, नदी में ये मंदिर शिवलिंग खुद से ही प्रकट हुआ है बोलता है, तो यहाँ पर बहुत मान्यता है ये शिवलिंग का भी, ये नदी में है। उमेश धाम हमारे दर्शन खत्म हो गए भगवान जी का, अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगा है, अरे इधर में भाई तो नहीं कर सकते, जैसे कि देख सकते बहुत क्राउड में से मेला है, पर हम मंदिर में आए दर्शन करने, बस छोड़ दिया, मेला वाला नहीं चाहिए, अब हम लोग जा रहे हैं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप सभी को हर एक पड़ा हर महादेव बन जा, हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, शिवरात्रि तो शिवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। ये हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरा किया जाए, आप सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद मिले। ओके गाइस बाय, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप लोग अगर इतना प्यार देते रहेंगे मुझे, तो मैं ज़रूर आप लोगों को भविष्य में और सारे वीडियोस और सारी जगह धाम या अदर्स कोई भी जगह होगा, मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगा। आज के लिए हर हर महादेव।